प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के बलात्कार, हत्या और शोषण को अक्षम्य बताया। आगे यह भी कहा है कि समाज में महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में सशक्त करने के साथ साथ उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी है। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स के रेप और मर्डर के बाद देश में महिला सुरक्षा को लेकर देश के विभिन्न जगहों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आई। लोगों ने महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में रेप दुर्लभ है। NCERB की रिपोर्ट के मुताबिक देश में हर 6 मिनट में एक रेप की घटना दर्ज होती है। महिला, लड़की, यहाँ तक कि नवजात भी बलात्कार का शिकार होते हैं। प्रधानमंत्री जी ने इससे पहले 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से महिला सुरक्षा को देश के लिए बड़ी जिम्मेदारी बताई। सुप्रीम कोर्ट ने भी कोलकाता रेप की सुनवाई के दौरान कहा था कि देश में बदलाव के लिए एक और रेप की जरूरत नहीं है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद जो हुआ वो देश में नया नहीं है, ऐसा पहले भी हो चुका है। 2012 दिल्ली निर्भया कांड आपको याद ही होगा, तब आज की तरह ही विरोध प्रदर्शन हुए थे, कैंडल मार्च निकाले गए, गुनहगारों की फांसी की मांग की गई, महिला सुरक्षा को लेकर कानून को और कठोर करने की मांग हुई। लेकिन बदस्तूर बलात्कारों की घटना ने साबित कर दिया है कि 13 साल बाद भी हमारा समाज इस देश का कानून बनाने वाले सत्ताधारी और बड़े बड़े लाउडस्पीकर से समाज में विमेन एम्पावरमेंट की बात करने वाले वहीं पर खड़े हैं। निर्भया कांड के बाद 21 मार्च 2013 को देश में रेप कानूनों को लेकर संशोधन करके इन्हें और कठोर किया गया, जिसके अनुसार इंडियन पिनल कोड सेक्शन 375 में आरोपी को कम से कम 7 साल की सजा देने का प्रावधान रखा गया। इस कानून में यह भी कहा गया कि 7 साल से ज्यादा और आजीवन कारावास की भी सजा दी जा सकती है। लेकिन कोर्ट की हाईफाई भाषा का इस्तेमाल ना करते हुए अगर सीधे सीधे बात करें तो सजा इस तथ्य पर निर्भर करेगी कि पीड़िता को किस स्तर पर प्रताड़ित किया गया। लगता तो बिल्कुल वैसा ही है। उस स्तर का अंदाजा आप निर्भया और वर्तमान के कोलकाता केस से लगा सकते हैं। यह दिखाता है कि बलात्कार जैसे जघन्य अपराध पर सरकार अभी भी सजा के मामले में निश्चित नहीं है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCERB के अनुसार 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4,45,256 केस दर्ज किए गए, जो कि 2021 में दर्ज किए गए 4,28,278 केसों से 4% ज्यादा था। 2022 के आंकड़ों में 2020 के आंकड़ों के मुताबिक 15% की बढ़ोतरी हुई है। हम बातें तो दुनिया भर की करते हैं, चाहे जो भी नेता हो, चाहे जैसे भी लोग, दिन रात बातें तो इसकी घटाने की करते हैं, पर डेटा तो ऐसा कुछ दिखा नहीं रहा। महिलाओं की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, उनके खिलाफ अत्याचार क्षमा योग्य नहीं है। ये सारी बातें बड़े मंचों से हवा में फेंकी जाती है। रेप की बढ़ रही घटनाओं ने बताया है कि बड़े बड़े वादों से ज्यादा जमीनी स्तर पे काम करना होगा, जिससे देश की बहन, बेटियां, बच्चियां सुरक्षित